आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है, और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि एक रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है, पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने कितने कितने? 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाओ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते।